पूर्व सैनिक एवं वीर नारी संघ खुंडिया में कारगिल विजय दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी ही संख्या में पूर्व सैनिक एवं वीर शहीदों की पत्नियां इस कार्यक्रम में जुटी। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। उसके बाद बहुत से वक्ताओं ने सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाए। किसान विश्वकर्मा एग्रो खुंडिया ने इस मौके पर जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा दिया एवं कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों ने सरकार द्वारा चलाई गई अनेकों कृषि बागवानी योजनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम के आखिर में सब पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने बाजार में रैली निकाल ली और बाजार में सब लोगों को लड्डू बांटे। इस मौके पर पूर्व सैनिक एवं वीर नारी संघ खुंडिया के चेयरमैन कैप्टन देशराज राणा, खुंडिया तहसीलदार निर्मल सिंह, खुंडिया तहसीलदार निर्मल सिंह, यूको बैंक शाखा प्रबंधक ज्योति प्रकाश, कैप्टन संसार चंद, सूबेदार करतार सिंह, नायब सूबेदार अमर सिंह, सूबेदार बिहारी लाल, कैप्टन ओम प्रकाश, सूबेदार दिलीप सिंह नायक, एडीएम शर्मा विशेष तौर पर शामिल रहे। श्रावण मास के पवित्र माह में बाड़ी वाले बाबा गंगागिरी महाराज की 15वीं पुण्य तिथि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाल्मीकि रामायण का गांव बाड़ी में आयोजन 26 जुलाई से 4 अगस्त तक किया जा रहा है। इस आयोजन में सोलन से प्रसिद्ध कथा वाचक संदीपन वशिष्ठ अपने मुखारविंद से भगवान राम की महिला का 10 दिन तक गुणगान करेंगे। विदित रहे कि स्वामी गंगागिरी महाराज जिन्हें लोग बड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं ने हजारों लोगों की निस्वार्थ भाव से लगभग 50 वर्षों तक सेवा की। वर्ष 2004 में उनके देहावसान के बाद स्वामी सोहमगिरी व समस्त गांव वाले हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर धार्मिक आयोजन करते हैं। ये आयोजन 4 अगस्त तक चलेगा। उस दिन पूर्ण आहुति व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्रीखंड महादेव की यात्रा को विश्व की कठिनतम यात्राओं में शुमार किया जाता है। इस 37 किलोमीटर के विकट संकरी व बर्फीले रास्तों को पार कर महादेव के दर्शन करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हड़कंपा देने वाली ठंड व सुई की तरह चुभने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच ईशानी नामक युवती ने नंगे पैर चलकर श्रीखंड महादेव के सकुशल दर्शन किए हैं। बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुकी 22 वर्षीय ईशानी 3 वर्षों से लगातार नंगे पैर यात्रा करती आ रही हैं, बल्कि बीते वर्ष तो वे पूरी रात बिना बिस्तर के ही पूरी रात 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड के चरणों में ध्यान में लीन रही। हालांकि वे लोगों को ऐसा न करने की हिदायत दे रही हैं। श्रीखंड की गोद में बसे बागीपुल की रहने वाली ईशानी का कहना है कि रात श्रीखंड में काटना मौत को दावत देना है, ऐसा न करें। लेकिन ईशानी मानती है कि शिव की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस बार बर्फ अधिक होने के कारण श्रीखंड यात्रा के आखिरी पड़ाव से आगे आना जाना करीब 8 किलोमीटर बर्फ में चलना पड़ा। उन्होंने बताया कि करीब 75 किलोमीटर श्रीखंड आना जाना पैदल है और उन्होंने नंगे पैर इस यात्रा को पूरी की है। उन्होंने बताया कि वे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे का सेवन न करें, तभी उनमें एनर्जी बनी रहेगी। ईशानी ने बताया कि इस बार श्रीखंड की उनकी तीसरी यात्रा थी। वे नंगे पैर जाना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। हालांकि बर्फ में माइनस तापमान में नंगे पैर चलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि लोग श्रीखंड में रात बिताने की कभी न सोचें। ये अलग बात है कि बीते वर्ष उन्होंने वहां पर रात बिताई है, उन पर महादेव की कृपा थी। हिमाचल की राजधानी शिमला में दोपहर बाद जमकर मेघ बरसे। बारिश के चलते शिमला में पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर से 10 कदम की दूरी पर देवदार के पेड़ सड़क में गिर गया। पेड़ गिरने से वहां से गुजर रहे दो व्यक्ति बाल बाल बचे। वन विभाग को सूचना दे दी है ताकि जल्द से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया जा सके। पेड़ गिरने से छोटा शिमला से माल रोड को
जोड़ने वाली सील्ड सड़क भी बंद हो गई है। मुख्यमंत्री के आवास के लिए भी यही सड़क जाती है। पेड़ की चपेट में बिजली की तारें भी आई हैं, जिससे आसपास की बिजली भी गुल है। फिलहाल बिजली विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं व तारों को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। बड़ी परेशानी है सारी, आना जाने मुश्किल हो रहा है। आप कैसे निकले, पर इसे कैसे बच के निकले? बड़ी मुश्किल से, थोड़ी सी जगह है जिसे क्रॉस होता है पेड़ नीचे से। शिमला में पेड़ खतरा बने हुए हैं सर? हाँ जी सर। अच्छा, डर लगता है?